हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जा रही है उसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म आपके ओपनिंग डेट, तो आपको पता 28 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करें कट ऑफ डेट की, जो भी आपकी एज देखी जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, वो सब 28 जनवरी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखा जाएगा। अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें, लास्ट डेट की बात करें, तो लास्ट डेट अभी 15 फरवरी है, यानी कि अभी आपके पास तो टाइम है। और देखो, यहाँ पर किसी तरह का आपकी फ़ी नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपने फ्री में अप्लाई करना है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर ना ही कोई रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी, आपके परसेंटेज के बेसिस पे सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो भी जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनकी जो लिस्ट है वो 25 फरवरी को यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ फास्ट हो रहा है, 15 फरवरी लास्ट डेट है, 25 फरवरी का आपको शॉर्ट लिस्ट, जो भी कैंडिडेट जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके नाम सामने आ जाएंगे। क्लियर हो गया, आगे चल लेते हैं, बाकी की डिटेल्स हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको सब कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा मैं एक बार। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, आपको सबसे पहले जो भी आपको, चलो आगे चल के बात कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मेथोडोलॉजी की, सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे दो तरह की क्वालिफिकेशन आपने थंबनेल में देखा होगा, एक है ITI वाले और एक है 10th पास। देखो, अगर आप 10th पास स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए फॉर्म है, अगर आप 10th पास के साथ साथ आपने ITI किया तो भी आपके लिए फॉर्म है। अगर आपने ITI और 10th किया है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, 30% मार्क्स की जो वेटेज होगी वो जाएगी आपकी ITI को, और 70% की वेटेज होगी आपकी 10th क्लास के मार्क्स की। यानी कि 70% मार्क्स जो आपके 10th क्लास के होंगे और 30% मार्क्स आपके जो वो ITI के उसके अकॉर्डिंग वेटेज देखे जाएगा। और अगर जिनका सिर्फ 10th है तो उनके लिए 100% जो यहाँ पर रहने वाला है वो 10th के जो परसेंटेज है उसी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। ITI वालों का जो है प्रेफरेंस, अगर हम ITI वालों की बात करें तो ITI वालों का 30% जो ITI में शिफ्ट हो गया और 70% 10th में। 10th वालों को ऑब्वियसली बात है 10th के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह से उनको आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड, आपको जितना मिलता है तो मिलेगा ही मिलेगा, स्टाइपेंड आपको पता कितना मिलता है, ठीक है। एज की बात करें, 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट यहाँ पर है, 18 to 30 ईयर्स आप देख रहे हो। आगे बात कर लेते हैं, कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं कैटेगरी वालों को, आगे चले थे यहाँ पे। देखो, यहाँ पर कहा गया जिन्होंने ITI 2016 से पहले किया है उनको वहाँ पे एफिडेविट भी देना पड़ेगा। अब हम बाकी डिटेल्स यहाँ पे समझ लेते हैं। टोटल आपको पता है वैकेंसीज़, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ 161 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 161 वैकेंसीज़। अब हम पर्टिकुलर ट्रेड वाइज चल लेते हैं यहाँ पर। अगर हम पहले 10th पास वालों की बात करें, अगर आप मेट वाले ट्रेड यानी कि माइंस वाले ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो, ब्लास्टर जो कि माइंस के अंदर रहता है, इन ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो, तो आप अगर सिर्फ 10th पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई ITI की ज़रूरत नहीं है, आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन 3 साल की रहने वाली है इसके लिए, और इसके लिए 2 साल की ड्यूरेशन रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज 30 हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 30 हैं, बाकी कैटेगरी वाइज आपके सामने सब कुछ है। AWS के लिए भी यहाँ पर है। आगे जितनी भी वैकेंसीज हैं, ये थर्ड नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो आपको थर्ड नंबर दिखा है यहाँ पे, ये फिटर वाला, यहाँ से नीचे जितने भी ट्रेड हैं यहाँ पे आप 10th पास होने ही चाहिए, साथ साथ आपका ITI भी होना चाहिए। जैकर हम फिटर की बात करें 1 साल की ट्रेनिंग होगी, टर्नर की बात करें 1 साल की ट्रेनिंग, वेल्डर की बात करें 1 साल की ट्रेनिंग। तो वैकेंसीज आपके सामने 25, 5, 15, इलेक्ट्रिशियन की 1 साल की और 30 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 6 वैकेंसीज हैं। ड्रॉट्समैन सिविल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, 3 और 2 वैकेंसीज हैं। उसी तरह से अगर मैकेनिक डीजल की बात करें तो मैकेनिक डीजल के लिए 10 वैकेंसीज हैं, 2 साल की ट्रेनिंग हो गई। पंप ऑपरेटर का मैकेनिक की बात करें, असिस्टेंट वायरमैन की बात करें, उनके लिए 1, 2 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे 161 वैकेंसीज हैं। क्लियर हो गया, अप्लाई कैसे करना है। एक तो मैं आपको इस जो नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको मैं बता रहा हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप सब कुछ समझ सकते हो। ये है हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर कहा गया कि तो पहले आपको फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, जो काम आपको मैंने कर दिया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रेड अप्रेंटाइज के तौर पर, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है, आपको भी पता है कि कैसे रजिस्टर किया जाता है। अगर नहीं पता तो आपको बता दूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे, आप सीधे वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, वहाँ पर जाकर कुछ रजिस्ट्रेशन करना है। तो बाकी किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते उतना शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगे। थैंक यू, जय हिंद।